हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किटी फन। मैं हूं आपकी दोस्त नुपुर और आज मैं आपके लिए एक गेम लेके आई हूं जिसका नाम है म्यूजिकल फन विद कार्ड्स। हाँ जी, ये फन वो है जो आप कार्ड्स के साथ करेंगे। तो ये जो गेम है, मैं बता दूं, आप अपनी किटी पार्टी गेम में भी खेल सकते हैं और आप अपने किड्स पार्टीज में भी खिलवा सकते हैं। जो किड्स के आपके गेट टुगेदर होते हैं, आप उसमें भी ये गेम उनको एंजॉय करवा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ते हूं अपने गेम के साथ। उससे पहले फटाफट से मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे गेम्स के डेली अपडेट्स चाहते हैं तो जो बेल आइकन आपके सामने आया है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए। तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने गेम के साथ। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए ये कार्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं हम कार्ड्स प्ले करते हैं, उसी तरीके के आपको कार्ड्स चाहिए। और एक आपको चाहिए स्कोर बोर्ड। तो स्कोर बोर्ड मैंने एज़ पर द किड्स रिक्वायरमेंट बनाया है। आप इसे अपने किटी मेंबर्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 6 मेंबर रखे हैं, किट 1, किट 2, किट 3, किट 4, किट 5, किट 6। और एक ये मेरा स्कोर बोर्ड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। ये मैंने 5 राउंड्स लिए हैं। आप इसमें 3 राउंड भी ले सकते हैं, आप इसमें 7 राउंड भी ले सकते हैं, आप इसमें 10 राउंड भी ले सकते हैं। तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं कि ये कार्ड्स म्यूज़िक के साथ कैसे नाचेंगे। तो हमें एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जो भी मेम्बर्स होंगे वो सर्कल में हमारे बैठेंगे। तो ये मेरे 6 मेम्बर्स जो हैं वो सर्कल में बैठेंगे और मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे करना है। तो मेरे 6 मेंबर्स हैं तो मैं इसमें से 3 कार्ड्स कोई भी सेलेक्ट करवाऊँगी। तो जो भी 3 किड्स हैं आप उनको ये कार्ड ऐसे बांट देंगे। ओके, अब आप इसके लिए एक म्यूज़िक प्ले करेंगे। तो इसमें हम म्यूज़िक प्ले करेंगे इस तरीके से और ये ऐसे पास ऑन होते जाएंगे कार्ड। तो ये मेरे 6 मेंबर्स हैं तो ये ऐसे पास ऑन होते जाएंगे और आप म्यूज़िक स्टॉप करेंगे, जैसा कि आप म्यूज़िकल चेयर में करते हैं। उसी तरीके से उस म्यूज़िकल चेयर में जैसे हम लोग रोटेट होते हैं, इसमें हमें कार्ड्स पास करने हैं एक दूसरे से। तो अब जब ये म्यूज़िक स्टॉप होगा और जिस जिस बच्चे के पास भी ये कार्ड्स होंगे तो वो अपने कार्ड हमें शो करेंगे। लाइक ये 2 है, ये 5 है एंड ये जे है। तो आप बच्चों और मेंबर्स को बता देंगे कि ये उन्हें 2 पता है कि क्या होता है, 5 पता है क्या होता है और जे के काउंट्स आप उन्हें बता देंगे कि जे इज़ इक्वल टू 11। या फिर आप पिक्चर्स वाले कार्ड हटा भी सकते हैं अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन। तो अब जिन जिन बच्चों के भी पास ये कार्ड्स होंगे, सपोज़ मान लीजिए मेरे किड 2 के पास है 5, तो उनके पास हो गया 5 स्कोर। किड 3 के पास है 2, तो उनके पास हो गया 2। किड 5 के पास है जे, तो उनका स्कोर हो गया 13। तो ये फटाफट से जो है बच्चों को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब वो इसे पास ऑन करेंगे तो कोई भी जो किड है या कोई मेंबर है वो 2 कार्ड अपने पास एक साथ नहीं रख सकता। उसे अपना कार्ड पहले ट्रांसफ़र करना है, तभी वो दूसरा कार्ड ले पाएगा। तो जिससे इस गेम में चीटिंग ना हो, अगर कोई ऐसा करता है तो वो इस गेम से आउट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये 5 राउंड खिलाने हैं 1, 2, 3 करके। तो उसके बाद इस स्कोर बोर्ड की कहानी आती है कि जैसे मैंने 5, 2, 13 लिखा, सपोज़ राउंड 5 में भी किड 1, किड 2, किड 3 ने राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में जो भी यहाँ पर स्कोरिंग आएगी उसका आप एक फाइनल स्कोर बनाएंगे यहाँ पर लास्ट में। तो अब किट 2 की मान लीजिए अगर अभी 5 + 7 कुछ बनता है, इनका कोई स्कोर आता है, इनका कोई स्कोर आता है, तो जिसका भी सबसे ज़्यादा स्कोर होगा 5 राउंड में वो इस गेम का विनर होगा। तो इसी तरीके से जो बच्चे हैं वो म्यूज़िक का भी मज़ा ले सकते हैं, जो किटी मेंबर्स हैं वो म्यूज़िक का भी मज़ा ले सकते हैं, कार्ड्स का भी मज़ा ले सकते हैं और इसमें फुल ऑन इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस गेम को अपने किसी भी किटी पार्टी और किड्स पार्टीज़ में इंजॉय करवा सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो लाइक आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।